नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ सुरक्षित और खुशहाल होंगे। मैं हूं आपके समक्ष अंजलि राव और मैं लेकर आई हूं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा पांचवी का पांचवा पाठ, जहां चाह वहां राह का दूसरा भाग। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में पहले भाग में हम लोगों ने क्या क्या जाना इस पाठ के इस लेख में। तो बच्चों, हम लोगों ने यह जाना कि इला सचानी जो एक दिव्यांग महिला थी, जो अपने हाथों से कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी, उन्होंने इतिहास रचा और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो हम अपने हाथों से कर पाते हैं, उन्होंने ये कार्य अपने पैरों से किए, है ना बच्चों? पैरों के अंगूठों पर सुई और धागे को रखा और कशीदार कार्य किया और उसमें महारत हासिल करते हुए उदाहरण लोगों के लिए पेश किया। और क्या वो अपने हाथों से खाना खा पाते होंगे या कपड़े पहनते होंगे या किसी भी तरीके से लिखते पढ़ते होंगे? तो सोचो बच्चों, इला सचानी ने ये सारे कार्य अपने पैरों से किए। उन्होंने अपने हाथों को एक चुनौती माना, हाथ उनके कमजोर थे तो उन्होंने इसे चुनौती माना और दृढ़ संकल्प किया कि आज मैं हार नहीं मानूंगी और यही कार्य अपने पैरों से करूंगी और दुनिया में एक नाम हासिल करूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस हमें भी अपनी सोच को बदलना है और ऐसे ही कार्य करते रहना है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए और बारंबार प्रयास करना है, हार कभी नहीं मानना है। तो चलिए, आज हम भाग दो, जहां चाह वहां राह पाठ का भाग दो करेंगे, जिसमें हम कुछ शब्दार्थ करेंगे, इस पाठ से जुड़े कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और साथ ही कुछ अभ्यास के कार्य भी हम करते जाएंगे बच्चों। तो देखिए, हमारा पहला कार्य अभ्यास कार्य शब्दार्थ। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दों के अर्थ, कठिन शब्द जो हमारे जहां चाह वहां राह पाठ में है। जैसे टांका, आपने बार बार इस शब्दों को सुना होगा, टांका। टांका यानी कि जो हाथ की सिलाई होती है ना बच्चों, सुई और धागे का प्रयोग करते हुए हाथों से जो सिलाई की जाती है उसे हम टांका कहते हैं। और अनूठी, अनूठी यानी अद्भुत, है ना। इला सचानी बड़ी ही अनूठी मिसाल उन्होंने कायम किया, लोगों के लिए आदर्श बने, उदाहरण बने, तो ये है अनूठी यानी अद्भुत। मिसाल, मिसाल यानी उदाहरण, जैसे कि मैंने बताया अभी, मिसाल इला सचानी ने एक मिसाल कायम किया। लकीर यानी रेखा, कपड़ों पे वो लकीरें खींचती थी और आकृतियां बनाती थी। विष यानी जहर, जहर यानी सबको पता है बच्चों, इसको हम अंग्रेजी में पॉइजन कहते हैं, जहर। घुटने टेकना यानी कि झुकना या हार मान लेना। इला सचानी ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी अपनी इस कमजोरी को जो है उन्होंने ढाल बनाया। उन्होंने यही सोचा कि मैं इस कमजोरी को हथियार बनाऊंगी और एक नया मुकाम हासिल करूंगी, तो उन्होंने हार नहीं मानी, उसने घुटने नहीं टेके। कुदरत यानी प्रकृति, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचर, और इला सचानी ने कुदरत को झुटला दिया था, है ना। आपने इस वाक्य को पढ़ा है ना इस पाठ में, तो वही है कुदरत यानी प्रकृति। माहिर यानी पारंगत, माहिर हो जाना। इला सचानी जो थी कृषिकारी में उन्होंने महारत हासिल किया था, यानी पारंगत, बहुत ही वो निपुण हो गई थी अपने इस कलाकारी में। परिधान यानी पोशाक या वस्त्र, कपड़े जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो है इला सचानी जो है धागे और सुई को पिरोते हुए आकृति बनाती थी, तो वैसे चीज को बोलते हैं परिधान या पोशाक या वस्त्र। इस्तेमाल यानी उपयोग करना या प्रयोग करना, है ना, उपयोग करना या प्रयोग करना। वो इस्तेमाल करती थी किस चीज का, सुई और धागे का, और अपने अंगूठों का भी इस्तेमाल करती थी। किसके अंगूठों का, पैरों के अंगूठों का इस्तेमाल करती थी। और नवीनता यानी नयापन, इला सचानी जो कशीदा कार्य करती थी उसमें नयापन होता था, यानी कि नवीनता होती थी। और अनूठा यानी बेमिसाल,
कशीदाकारी के बेमिसाल नमूने उनके पास थे। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, क इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। इस पाठ में बच्चों आपने देखा कसूती के टाके, सिलाई कढ़ाई से संबंधित आपको शब्द ढूंढने हैं अपने पाठ में। तो कसूती के टाके आपने देखे, सुई धागा देखा, भरवा टाके देखे, कांथा, बेल बूटे, काठिया वाड़ी, कशीदाकारी, चिकनकारी, बूटियां, ये सारे शब्द जो है सिलाई कढ़ाई से संबंधित हैं। और यदि आपको लग रहा है कि इस पाठ में और भी कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई से जो है वो संबंध रखता है, तो आप उसे जरूर चुने, उन पर रेखांकित करते हुए अपनी कॉपी पर इसे जरूर लिखें। चलिए बच्चों हम अब अगला प्रश्न करते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। ये देखिए आपके सामने एक गद्यांश है, आपको इसे पढ़ना है मेरे साथ। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आयो रे। तो बच्चों ये था गद्यांश इस पाठ से, और अब है इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या एक है, इला का संबंध किस राज्य से है, यानी कि इला का जन्म किस राज्य में हुआ। तो इला का जन्म बच्चों आपने उस पहली लाइन में पढ़ा होगा, पहली पंक्ति में पढ़ा होगा, इला का संबंध गुजरात राज्य से है। तो यहां पर बच्चों सिर्फ आप गुजरात लिख सकते हैं, गुजरात इला कितने वर्ष की है, यानी कि उसकी आयु कितनी की है ना, इला कितने वर्ष की है, वह 26 साल की है। इला कितने साल की है, 26। इला का बचपन किस रिश्तेदार के यहाँ गुजरा, इला जब छोटी थी तब वह किस रिश्तेदार के घर पे रहती थी, तो यहाँ पर आएगा नाना के यहाँ। योजक चिन्ह वाले कहीं तीन शब्दों को ढूंढकर लिखो। योजक बच्चों एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने वाला जो चिन्ह होता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे ऐसे वाले चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। तो आप जब अपने पाठ में देखोगे इस गद्यांश को, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी, आपने यहां पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर इस शब्द आड़ी और तिरछी के बीच में एक योजक चिन्ह है। तो ऐसे शब्द को भी आपको ढूंढना है और बताइए कौन से शब्द हो सकते हैं। यहां पर इधर उधर, टूटे फूटे, ऊंची ऊंची, तो ऐसे शब्दों को योजक चिन्ह वाले शब्द कहते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न है, मोहल्ले के बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे। बच्चों मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है अब नहीं बताऊंगी, आप इस प्रश्न का जवाब जो है स्वयं ढूंढकर अपने किताब से, अपने इस पाठ से ढूंढें और इसका जवाब आप खुद से लिखें, स्वयं करें। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न अगला क्या है। इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी, इला ने जो कशीदाकारी की थी तो उसमें क्या खास बात झलक रही थी, क्या दिख रहा था। इला
काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। उन्होंने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और भी कई टाके जैसे चिकनकारी, काथा, कसूती और जंजीर का प्रयोग किया। उन्होंने लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई के तरीकों का भी प्रयोग किया। इन सब के प्रयोग से जो पारंपरिक डिजाइन चली आ रही थी उसमें नयापन आ गया, जिससे इलाकी कशीदाकारी सबको अच्छी लगी और उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। तो यही थी इलाकी कशीदाकारी में खास बात। और बच्चों, इला जो काठियावाड़ी कशीदाकारी करती थी उसमें उन्होंने लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई को भी दिखाया और उसकी झलक दिख रही थी उसकी कशीदाकारी में, और यही था उसका नयापन। और इसके वजह से इला की कशीदाकारी में खास बात नजर आई और लोग उनके प्रशंसा करने लगे, उनको सराहने लगे और दूर दूर से लोग इनकी कशीदाकारी को देखने भी आने लगे। प्रश्नोत्तर हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? इला, आपको तो पता ही है इला कैसी थी, है ना? इला एक दिव्यांग लड़की थी। और इला या इला जैसी कोई भी दिव्यांग लड़की या लड़का यदि आपके स्कूल में या विद्यालय में दाखिला लेता या एडमिशन लेता तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते, सवाल उठते? तो प्रश्न का जवाब ऐसे होगा कि यदि इला जैसी कोई भी लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में, है ना बच्चों, मेरे मन में, आपके मन में, सभी के मन में ये इच्छा उठती कि इस प्रकार के प्रश्न उठते जैसे वह लिखेगी कैसे, कक्षा में खाना पीना कैसे खाएगी, किताब के पन्ने कैसे पलटेगी, अपने खुद के काम कैसे करती होगी। तो ये सारे सवाल जो है हमारे मन में उठते और ये स्वाभाविक है कि ये सारे प्रश्न उठते, पर इला ने ये सारी चीजों को जो है गलत ठुकरा दिया और उन्होंने ये सारे कार्य, सारे काम उसने किए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? बच्चों, यह लेख बहुत ही प्रेरणादायक लेख था, है ना? इसमें उमंग था, उत्साह थी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा। हाँ तो बच्चों, इस लेख को पढ़ने के बाद आपकी सोच में कौन कौन से बदलाव आए या नहीं आए? बदलाव आए तो कैसे बदलाव आए? हाँ, मेरी सोच में तो बदलाव आए। अगर मैंने इस लेख को जब से पढ़ा है मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं उनकी सोच, उनकी जो उड़ाने होती है बहुत ऊंची होती है और वो बहुत ऊंचा सोचते हैं और वो कभी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानते, कभी नहीं घुटने टेकते, है ना बच्चों? जैसे इला सचानी जो दिव्यांग थी, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि मेरी दिव्यांगता को लेकर मैं हार मान जाऊंगी, बल्कि उन्होंने दृढ़ निश्चय करते हुए आसमान तक छुआ उन्होंने और कशीदाकारी में उन्होंने बहुत महारत हासिल की और एक पहचान बनाया। अगला हमारा क्रियाकलाप है, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला दसवीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, है ना बच्चों? इला दसवीं की कक्षा क्यों पास नहीं कर पाई? क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, और आखिरी है हमारा, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो बच्चों, हमारे पास चार विकल्प हैं। एक प्रश्न है कि इला दसवीं की कक्षा पास नहीं कर सकी, क्यों नहीं कर पाए? चारों विकल्पों में से आपको जो वाक्य सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, तो ये जो वाक्य है ये सही वाक्य है। तो बच्चों, ये है, तो इसके आगे आपको
सही का निशान लगाना है। और चौथा तो है उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सही हमारा तीसरा वाक्य है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाए। अगला एक मजेदार क्रियाकलाप है बच्चों आपके लिए। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जंजीर, मछली टाका, भरवा टाका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाका। अब इन टाकों में से हम एक आज जो है टाका आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस जंजीर टाके को हम बना सकते हैं, कैसे हम अपने कपड़ों पे सुई और धागे के प्रयोग से, बहुत आसान सा टाका है, हम इसे अब करेंगे और आप देखिए और आप भी इसे कोशिश करिए। और यदि नहीं हो पाता है तो अपने बड़ों का भी आप जो है मदद ले सकते हैं इसे करने में। बच्चों जहां चाह वहां राह पाठ के दूसरे भाग के अंत में मैं चाहती हूं कि कुछ मुख्य बिंदु इस पाठ से जो बहुत जरूरी बातें हैं मैं आप तक पहुंचाऊं। जैसे इस लेख को एक बार फिर से पढ़ें और समझें, एक बार इस पाठ को आप दोबारा पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि यह पाठ हमसे क्या करवाना चाहता है, हमें किस ओर ले जाना चाहता है। और इला सचानी के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप अपने बड़ों से इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इनके बारे में बताएं। और क्या आपने भी कभी किसी काम को करने का संकल्प लिया है, निश्चय लिया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, कभी आपने इसका संकल्प लिया है? और यदि लिया है तो आप अपने परिवार के साथ इस पर बातें करें। और बच्चों आखिरी में मैं यही बताना चाहती हूं कि यदि आपको इस पाठ से पढ़ने के बाद और इस पाठ को जानने के बाद यदि आपकी सोच में बदलाव आया है और आपने एक सकारात्मक दृष्टि रखते हुए अपने जीवन का लक्ष्य तय किया है तो मेरा इस पाठ को आप तक पहुंचाना सफल रहा। और बस इस पाठ को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ और अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।